रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जुम्मा मुबारक हो आप सभी को। वेलकम टू आयशू का किचन। तो यस्टरडे आई वाज शोइंग यू हाउ टू ग्राइंड इन द ग्राइंडर, मतलब ग्राइंडर से क्या आपको फ़ायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हेन यू आर ग्राइंडिंग इन द ग्राइंडर। ठीक है, मतलब इतना टेस्टी बनता है मालूम है आपको रेसिपीज़, और जो भी वड़ा या डोसा आप बना रहे हैं बैटर, इतना टेस्टी बनता है। यू नो आई वाज टोटली, यू नो हम लोगों को पहले से भी आदत है, क्योंकि मेरी माँ ना, अल्लाह उनकी मगफिरत करो, मेरे मरहूम माँ, मेरे मरहूम बाप, दोनों को अल्लाह जन्नत अलफिरदौस अता फरमाए, उनकी मगफिरत करे, जन्नत अलफिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। उन दोनों ने मुझे हमेशा हेल्दी खाना ही खाने को सिखाया है। मैं थोड़ा तेल ऐड करूँगी। ये मेरा मकसद आने का आयशू का किचन से क्यों है, क्योंकि आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना हेल्दी है। ये देखिए ऐसा डालिए, रंग आपको जो शेप चाहिए वो आप कर सकते हैं, यही नहीं कि आपको वही चाहिए ये चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको चीज़ का चाहिए तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बटर चाहिए तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा, ये देखिए थोड़ा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, वो मैंने कल मिर्ची बनाई थी, मिर्ची तली थी तो उसका वो तेल है। आप चाहिए तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा बटर है, देखिए ये बटर, मैंने थोड़ा बटर ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ा फ्लेम को कम करिए, आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़। एक्चुअली वीडियो यहाँ पे पकड़ने वाला कोई नहीं है, मैं अब दिखाऊंगी आपको। देखिए ये बन गया है, क्रिस्पी हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर आपने बटर ऐड कर दिया है, चाहे तो आप थोड़ा ये जो चीज़ है ये भी ऐड कर सकते हैं आप। मैं दिखाऊंगी आपको, लेकिन एक हाथ से तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करूँगी। ठीक है, बटर तो, ये तो चीज़ तो मेरा पूरा ये हो गया है, मतलब घट हो गया है फ्रिज में रहने की वजह से। अब चाहे तो चीज़ भी ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा डोसा। अब इसको और आपको क्रिस्पी बनाना है तो बना सकते हैं, मेरा तो क्रिस्पी हो गया है। थोड़ा पलटा रही हूँ मैं, अरे बाप रे, ये हुआ बटर। अगर आप जो चाहे आपकी मर्ज़ी खा सकते हैं आप, वॉट एवर यू कैन ईट, बट ये कैलोरीज का ध्यान में रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बटर, ये घी, चीज़ कितना ज़्यादा खाएंगे उतना आपको कैलोरीज भी उतनी ही बर्न करनी पड़ेंगी एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑथेंटिक ग्राइंडर में बनाया हुआ डोसा। ठीक है, तो मैं अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ, टेस्ट करने के लिए मैं आपको ऐसे ही वीडियो से ही टेस्ट करके बताऊँगी। ये हुआ मेरा डोसा, ये मैंने इधर रख दिया है। अभी इसको मैं यहाँ पे रखूँ, कल का ये बैटर है जो मैंने अपने ग्राइंडर में पीसा हुआ था, तो ये मैं ये रख रही हूँ इसके ऊपर, और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने लिया एक निवाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा कीमा आलू कैबेज डाल के मैंने एक ग्रेवी सा, मतलब उतना ग्रेवी नहीं, एक थिक ग्रेवी सा बनाया था, तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म,
माशाल्लाह इतना यम्मी है, मैं बोल नहीं सकती, इतना टेस्टी है। मेरा रिकमेंडेशन तो है, लेकिन आजकल के बिजी ज़माने में वर्किंग लेडीज़ हैं जो इतना सब टाइम नहीं रहता आपको, लेकिन रेकमेंड तो करती हूँ मैं आपके घर में छोटा सा लाके रख लो ग्राइंडर, इतना टेस्टी है माशाल्लाह, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत टेस्टी है। अगर आप फ्री हैं तो आप एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपको, और आपको पत्थर से पिसा हुआ खाने मिलेगा जो अपने जिस्म के लिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी रहेगा, ठीक है। तो इतना तो मैंने दिखा दिया, एक और मैं पीस लूँगी, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। ये लिया मैंने यहाँ पे, ऐसे लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं खा रही हूँ अभी, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी। इंशाल्लाह आप लोग भी अपने हाथों से, अगर फ्री हैं, अगर काम पे नहीं जा रहे हैं, आप होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ट्राई करिए, अपने हस्बैंड को खिलाइए और खुश करिए उनको, वो भी बेचारे बहुत काम पे जा के बहुत थके रहते हैं, तो उनको खुश कीजिए अपने हेल्दी रेसिपी से, उनको भी हेल्दी बनाइए ताकि वो आपका साथ कभी ना छोड़ सके, ज़्यादा देर तक निभा सके, और अपने क्या बोलते हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए अपने हाथों से बनाइए, खिलाइए, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। पहल दिस इज़ आयशा रहमान है साइनिंग ऑफ फ्रॉम आयशुका किचन, मिलती हूँ फिर बहुत जल्दी एक और रही रेसिपी और वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआओं में याद रखिए।